हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज मुझे बहुत ही सरप्राइज और बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट मिला जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये इसलिए सरप्राइज था, जिन्होंने मुझे भेजा वो उनका ना मुझे नाम पता था और ना ही वहाँ मेरा कोई रहता था जहाँ से ये आया हुआ है। तो मैं तो बहुत सरप्राइज हो गई और ये मेरे लिए बहुत अनोखा गिफ्ट था और बहुत खूबसूरत और बहुत ही ये हमारे मयूर विहार या दिल्ली के जो हमारे एरिया है वहाँ इन नर्सरियों में ये प्लांट मिलता नहीं है। तो आइए मैं एक एक करके आप लोगों से इसके बारे में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो गिफ्ट दिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मेरे बेंगलोर में व्यूअर रहती हैं रूपा सिंह, कमेंट में देखा होगा इनका नाम। तो ये मैंने कुछ मालाबार स्पिनिच के सीड दिए थे और कुछ टमाटो के और चिल्ली के, जो कि उन्होंने ग्रो किया तो दिखाया, और कुछ पर्पल हार्ट थे, पोर्सिलिन वगैरह थे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जब कोई मुझसे शेयर करता है तो मुझे बहुत खुश होता है। और ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं बेंगलोर में बहुत ही कॉस्टली आते हैं। हमारे यहाँ तो ये 10-20 के ये हैं, लेकिन उनके यहाँ ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो उन्होंने ये सारे पिक शेयर की हुई है। तो ये छोटी छोटी जो खुशियाँ वो लोग मुझसे शेयर करते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। देखिए पर्पल हार्ट है, पोर्सिलिन है, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है। तो मैं वैसे प्लांट देती हूँ कि वो अच्छी तरह से बिगनर भी हो वो लगा सके, और ये पूरा फ्री वो कॉस्ट मैं देती हूँ। और ये देखिए, ये दीपाली जी हैं नोएडा से, इनका कमेंट आता है। और ये एमरस लिली है ऑरेंज कलर का, वो दिखा रही थी कितना अच्छा हो गया। और इधर ये कॉस्कॉम है जो कि बता रही थी कि पत्तियाँ भी खूबसूरत है। ये मैक्सिकम पिटूनिया है जो, और ये बोट लिली भी मैंने, ये सारे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं इन लोगों को। तो दिखा रही थी कि कितना खूबसूरत है और बिना केयर के ये सारे इतने खूबसूरत दिख रहे हैं और चल रहे हैं। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही प्लांट देती हूँ कि देखने में खूबसूरत हो और लगाने वाले भी खुश हो। कभी कभी प्लांट मर जाता है तो जो प्लांट लवर होते हैं वो लगाना भूल जाते हैं, फिर लगाने नहीं चाहते हैं। तो मैं पहले ऐसे प्लांट देती हूँ कि वो कम केयर में अच्छे फ्लावरिंग हो। सीड वगैरह दिए थे तो दिखा रही थी कि जर्मिनेट वगैरह हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो मुझसे शेयर करते हैं तो बहुत मुझे खुशी होती है। देखिए ये पत्ती दिखा रही थी कि इसके ऐसे जल रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग सोल्यूशन भी पूछते हैं, तो जैसा होता है मैं बता देती हूँ। और मैं भी कोई उतना परफेक्ट नहीं हूँ। और देखिए ये जो विनका जो आपको दिख रहा है, ये भी मैंने उन्हें दिया था। तो वो बता रही थी कि साल भर मेरे पूजा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन फूलों से। और ये देखिए ये बन्ना जी हैं, मैंने इनका वीडियो शेयर किया था, तो मैंने क्रैनबेरी हिबिस्कस का दिया तो उन्होंने लिखा था खिल गया फूल। ये देखिए थैंक यू एक बार फिर से। तो ये नागपुर की हैं स्नेहलता जी, तो उनको मैंने साइप्रस वाइल्ड के सीड दिए थे। रीचा जैन आती है, इन्होंने ये सारे प्लांट शेयर किए हैं, अम्ब्रेला पाम पोलियस और ये अपराजिता वगैरह। और देखिए दीपाली जी ने ये देखा कि पूछ रही थी कि ये कौन सा फ्लावर है। तो जो बिगनर हैं हमारे लिए तो ये कॉमन प्लांट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अननोन होता है, पता नहीं चलता है। तो जब मैंने बोला कि इसके फ्लावर 1 मंथ तक रहेंगे तो वो और खुश हो गई। तो कॉस्कॉम में देखिए मैक्सिकम पिटूनिया में तो बता रही थी कि ये तो मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि ऐसे ही प्लांट मैंने आपको दिया है कि साल भर फूल दे और कुछ करे नहीं, ख़त्म ही ना हो आपके गार्डन से। तो देखिए ये पार्सल जब आया, ये स्पीड पोस्ट से आया, तो ये पार्सल मुझे अहमदाबाद से आया हुआ है, गुजरात से। तो गुजरात में मेरा तो कोई रहता नहीं है और इस नाम से भी मेरा कोई नहीं रहता है। तो पहले तो मैं डर गई कि पार्सल में बम वम तो नहीं है, क्योंकि मैं तो जानती नहीं। तो इनका फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ था तो मैंने कॉल करके पूछा, तो उन्होंने कहा मैम ये आपके लिए गिफ्ट किसी ने भिजवाया है। तो मैं तो ये हो गई किसने मुझे गिफ्ट भिजवाया है। तो जब उन्होंने कहा कि ये मीनू जी हैं जो अमृतसर से आपको गिफ्ट भेजी हैं, तो मीनू जी आप मेरे कमेंट में देख सकते हैं। बहुत ऐसे जो मेरे, देखिए मैं कुछ प्लांट लगा रही थी, रिपोर्ट कर रही थी, तो मीनू जी का कमेंट आप देख सकते हैं, हमेशा आते रहता है। ये मेरे बहुत अच्छी व्यूअर है, मैंने एक बार इन्हें सीड वगैरह भेजा था। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से पैक किया गया है इस प्लांट को, और इसको चारों तरफ से इसको जो न्यूज़पेपर है
उसमें अच्छी तरह से साइड साइड में, ताकि प्लांट कुछ भी डैमेज ना हो। तो बहुत सारे हैं, रिचा जैन हैं और सैली जी हैं, एक आदित्य करके आते हैं, उनकी उनके बेटे का नाम है, और एसएन हैं गोवा से हैं, और बहुत लोग हैं, मैं तो नाम नहीं, जो कि बहुत मेरे अच्छे व्यूअर से खुशी होती है मुझे जब कमेंट करते हैं कि चलो उनसे तो एक अच्छा सा रिश्ता जुड़ गया है। जब कुछ कुछ लोगों को कमेंट देके मुझे बहुत खुशी होती है। सैली जी हैं जो कि बहुत अच्छी मेरी व्यूअर है, पूनम जी हैं, और बहुत लोग आते हैं, एक कुसुम जी हैं, तो नाम बहुत सारे हैं, और अशोक जी हैं, बहुत लोगों को नाम मैं भूल जा रही हूँ, स्मिता जी हैं, तो ये सारे जो भी हैं सब अननोन व्यूअर्स हैं और बहुत हमेशा मेरे आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के। तो देखिए ये पेपर में रैप किया गया है न्यूज़पेपर में, ताकि इसकी मॉइस्चर बनी रहे और प्लांट सूखे नहीं। और देखिए कितना ये हेल्दी, तो ये मैं बता दूँ ये लोटस का प्लांट है, ये वाटर लिली का प्लांट है, तो एक येलो है एक पर्पल कलर है, तो दो कलर में भेजा है। तो मीनू जी के यहाँ उन्होंने एक बार मुझसे पिक शेयर किया था, उनके यहाँ बहुत सारा लोटस है, तो मैंने कहा था बहुत खूबसूरत लग रहा है, हमारे यहाँ तो मिलता ही नहीं है, तो उन्होंने सीधे जहाँ से उन्होंने मंगवाया था, अहमदाबाद में वो सेल करती हैं, वहीं से उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर कर दिया, और ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, उन्होंने बताया नहीं कि वो वहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया है, बस उन्होंने एक बार मुझसे एड्रेस मांगा था, तो फिर उन्होंने मुझे पता नहीं था कि एड्रेस से, देखिए पत्तियाँ कितनी ये फ्रेश है। तो येलो और पर्पल जो वाटर लिली है हमारे मयूर विहार में तो मिलता नहीं है किसी नर्सरी में, और ऑनलाइन बहुत कॉस्टली आता है, 1000 से ऊपर ही आता होगा, तो कॉस्ट की तो बात नहीं है, लेकिन एक अननोन जो लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार भी नहीं कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना प्यार जब बरसाते हैं तो बहुत दिल खुश हो जाता है। और देखिए कितना हेल्दी इसका क्यूब है, तो दो प्लांट आया है मेरे लिए, येलो एक पर्पल, तो बहुत खूबसूरत और हेल्दी प्लांट उन्होंने वहाँ से भेजवाया है, और उन्होंने केयर टिप्स भी मुझसे शेयर की कि कैसे इसे लगाना चाहिए। तो छोटे से टब में रख के फिर उन्होंने बताया कि क्ले जो मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी, उसमें इसको लगा के और फिर इसे बड़े टब में आप इसे रख दें। तो वैसे ही मैंने किया, अब अच्छी अच्छी इसमें पत्तियाँ भी निकल रही है, देखिए इसमें बहुत सारी न्यू पत्तियाँ निकल रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मुझे कोई, मैं तो बहुत लोगों को प्लांट भेजती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक मेरे लाइफ में जो जुड़े हुए हैं एक गिफ्ट की तरह ही अनमोल हैं ये सारे मेरे व्यूअर्स। तो थैंक यू मीनू जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।